गौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी ने शासन प्रशासन द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। न्याय न मिलने पर धरने पर बैठने की दी चेतावनी। सुल्तानपुर जिले में डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वापस लौटे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचार पर प्रेस वार्ता की और हमारे चैनल के माध्यम से सभी को अवगत कराया कि स्थानीय लोगों के दबाव में प्रशासन हम लोगों से सौतेला व्यवहार करता है और हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहा है। सुल्तानपुर परियोजना निर्देशक और गोसाईगंज थाने के उप निरीक्षक राणा प्रताप तथा धमोर के उप निरीक्षक केसी यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया कि शासन प्रशासन का रवैया यदि 15 दिन में नहीं बदला तो बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जिलाधिकारी से मुलाकात, क्या मामला था? मामला ये है कि हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के ऊपर पुलिस प्रशासन के लोग लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। एक प्रकरण है हमारे पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद अलीम, उनकी माता रुखसाना का मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर के यहाँ बंटवारे का मुकदमा चल रहा है खतौनी के मामले में, जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी ने यथा स्थिति बनाए रखने के लिए प्रार्थना पत्र पे यशो धम्मौर SDM सदर के लिए निर्देशित किया था कि काम रुकवा दिया जाए, लेकिन यशो कह रहे हैं कि मैं ऐसे आदेश को नहीं मानता हूँ, मैं काम करवाऊँगा, जो आपको करना है कर लो। और हमारे पीड़ित जो मोहम्मद अलीम की माता और अलीम के सामने SHO साहब ने कहा, जैसे कुड़वार में लॉकअप के अंदर राजेश पुरी की हत्या करवा दी हमने, कभी तुम्हारे जिलाध्यक्ष की भी हत्या करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक प्रकरण है, हमारे जिला पदाधिकारी हैं, जिला प्रभारी चंद्राज जी, वो जिला सुल्तानपुर पार्टी कार्यालय पर रहते हैं और उनके खिलाफ गोसाईगंज की पुलिस फर्जी तरीके से मुकदमा लिख लेती है और एक पक्षी गुंडा एक्ट की कार्रवाई में कार्रवाई कर देती है, जबकि होना चाहिए कार्रवाई तो दोनों पक्षों की कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए हम निष्पक्ष जांच की मांग किए हैं। और एक प्रकरण है हमारे जयसिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र का, एक ननकाई है, उनके आवास में सत्ता पक्ष के करीबी व्यक्ति के पैरवी के कारण उस गरीब व्यक्ति का जो अपने बच्चों से लगातार अलग रहता है, सारा एविडेंस उसके पास मौजूद है, लेकिन जयसिंहपुर ब्लॉक के कर्मचारी पैसे के चक्कर में और प्रभाव के चक्कर में उस गरीब व्यक्ति के आवास को काट दिया गया। अभी आपने एक दरोगा मुर्दाबाद किनारे लगाए, कौन दरोगा है? वो केसी यादव है धम्मौर के, और गोसाईगंज के एक राणा सिंह जी हैं, राणा प्रताप जी हैं, उनके खिलाफ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे जो जिला प्रभारी है गोसाईगंज क्षेत्र के चंद्राज जी के खिलाफ फर्जी तरीके से लोकल सत्ता पक्ष के लोगों के प्रभाव में आकर लगातार जिला प्रभारी को प्रताड़ित और मुकदमे में लगातार फंसाने का काम किया जा रहा है राणा प्रताप जी द्वारा, वहाँ के लोकल दबाव के कारण। यदि आपकी मांग नहीं पूरी, 15 दिवस के मैं जिला प्रशासन को समय देता हूँ, 15 दिवस के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। इसके बाद या तो मैं तो चाहता हूँ कि प्रशासन के लोग हमारी समस्याओं को सुलझा दें, अन्यथा हम लोग जो है नहीं चाहते हैं कि सुल्तानपुर भी सहारनपुर की तरह बने। सम्मान होना चाहिए, यदि कोई गुंडे कर रहा है तो उसके विरुद्ध फिर गुंडे जैसा बर्ताव करते हुए कार्रवाई यदि रूप से करने न्यायालय के आदेश का संभव। उसके अलावा एक प्रकरण में ये बताया गया कि किसी कार्यकर्ता के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रेषित की गई है, जबकि उसमें दो पक्ष लड़े थे, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें हमने ये कहा कि जो पक्ष का पुलिस के द्वारा नहीं किया गया वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे, गुंडा एक्ट में भी प्रावधान है कि प्राइवेट एप्लीकेशन पे भी जांच कराए कार्रवाई की जा सके, उसको यहाँ से चेक करा, उसमें यदि सत्य पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।